मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसा सो भी, उम्मीद अच्छे होंगे, अच्छे रहना। तो अपन अभी बस सो के उठे और सुबह के बज रहे 8, तो बहुत जल्दी सो के नहीं उठे, लेट हो गए। और वैसे भी सर्दी का टाइम है तो जल्दी सो के उठ के करें भी क्या। तो अभी बस आए बाहर और टफी को घुमा रहे, ये रही टफी, टफी को घुमा रहे हैं सुबह सुबह। और ठंडी हवा चल रही है, हल्की फुल्की सी धूप निकली है अभी, पर ठंड पर हवा ठंडी चल रही है, तो ठंड में ये सिर्फ जैकेट पहन के निकला है अभी तो। और आज क्या अपन शूटिंग वगैरह भी करेंगे, आज मेरे घर पे शूटिंग होगी अपनी गुलिया की कॉमेडी की, तो ऐसे ही है। और बहुत टाइम हो गया मैं डेली व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मतलब व्लॉग ही नहीं बना रहा हूँ। कम से कम नवंबर के बाद से मैं अब जाके फिर से व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, और इसीलिए डेली व्लॉग बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि बीच में फ़ोन ख़राब हो गया था, फिर लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मैं फिर बना नहीं पाया ढंग से, क्योंकि कैमरे से बनाता हूँ फिर एडिटिंग किस में करूँ, तो वो सारी दिक्कतें आ रही थी। बट अब नहीं है, अब से डेली व्लॉग आएंगे, और आज से अपने डेली व्लॉग शुरू कर दिए, तो अब से आपको रोज़ व्लॉग मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे जाके, और वीडियो को भी लाइक कर देना, है ना। तो अभी बस टफी को घुमाते हैं, उसके बाद में घर जाएंगे, फिर तैयार वैयार होंगे क्योंकि फिर वीडियो भी बनानी है, तो रेडी होते हैं घर जाके फटाफट। तो टफी को घुमाया और अब अपन चलते हैं छत पे, क्योंकि ठंड है ना, तो अपन थोड़ी बहुत क्या एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे। और आपसे डेली ब्लॉग बनाऊंगा तो डेली एक्सरसाइज करूंगा, तो इसी बहाने डेली का ब्लॉग ही बन जाएगा और एक्सरसाइज हो जाएगी, और एक्सरसाइज के बहाने अपना डेली का ब्लॉग ही बन जाएगा, एक्सरसाइज के बहाने डेली का ब्लॉग बन जाएगा, डेली ब्लॉग के बहाने एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आ गए अपन छत पे, और छत पे जाए थोड़ी बहुत धूप भी निकल रही है, तो अब करते हैं अपन एक्सरसाइज। हवा ठंडी चल ही रही है, तो एक्सरसाइज करने में थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा और गर्माहट भी आ जाएगी। छत पर गया था, व्लॉग बना रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज वगैरह सब कर ली, और फिर देखा कि कैमरा तो डेड हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई इसकी, एक्सरसाइज पूरी हो गई और वीडियो पता भी नहीं अब कितनी क्या वीडियो वगैरह बनी होगी, और डेड हो गया है। ये देखो चालू भी नहीं हो रहा, ये रहा पावर बटन, इसका दबा रहा हूँ नहीं हो रहा चालू, बैटरी खत्म हो गई। इसको लगाएंगे चार्ज पे, फिर देखेंगे भाई मेमोरी कार्ड में लगा, अब इसको चार्ज पे लगाते हैं और मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगा के देखते हैं कि भाई कितने क्या वीडियो बनी है। तो पूरे एक्सरसाइज कर लिए, अब तक टाइम भी लग गया, और ये कैमरा तो फिर देखा तो बंद हो गया, पता नहीं कितनी क्या वीडियो बनी होगी, वैसे ही है हो गया बंद, अब क्या करें। अभी बस एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, टफी भी घुमा लिया, अब घर में थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करेंगे, साफ़ सफाई वगैरह, उसके बाद नहाएंगे, फिर अपन बनाएंगे वीडियो गुलाब की कॉमेडी, फिर वीडियो बनाएंगे अपन आज अपने घर पे। आज अपना वीडियो बनाना तो हो गया कैंसिल, आज कोई शूटिंग वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग क्या कहीं बाहर गए हैं, तो आज ले वीडियो नहीं बना रहे, और अपन वापस घर में ही हैं। और वैसे तो खैर मुझे मेरी बाइक ठीक करानी थी, क्योंकि मैंने इसको ठीक कराया था वैसे, बट उसमें थोड़ा बहुत काम बच गया था, तो आज ठीक कराने जा रहा था, पर जो मैकेनिक है वो आज फ्री नहीं है, वो उनके घर में शादी है 2-3 दिन की, तो फिर वहाँ बिजी है, तो अभी 2-3 दिन बाइक और ठीक नहीं हो पाएगी। उसको पहले तो ठीक कराया था, उसमें थोड़ा बहुत जो काम बचा वो पेट्रोल वगैरह लीक हो रहा है, और पीछे बैक लाइट नहीं चल रही है उसकी, तो ऐसे थोड़ा बहुत कुछ काम है वो कराना था, बट अब वो फ्री नहीं है, तो फिर वो भी ठीक नहीं करा पाएंगे आज, या फिर देखते हैं कि किसी और मैकेनिक के पास में जाएंगे उससे ठीक कराएंगे, क्योंकि पेट्रोल लीक होने ठीक नहीं होगा तो पेट्रोल डला नहीं पाएंगे, और पेट्रोल डलेंगे तो वो चला नहीं पाएंगे, तो फिर ठीक कराने का फ़ायदा क्या। तो फिर इसलिए अब आज देखते हैं क्या करते हैं, किसी और मैकेनिक के पास जाता हूँ, या फिर अब 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा उनका। और बाइक में आप लोगों को दिखाऊँ, तो स्प्लेंडर बाइक है मेरी रेड कलर की, तो दिखाता हूँ आपको बाइक मेरी, तो ये रही बाइक, इसको कुछ दिनों पहले ठीक कराया है, इस पर कवर चढ़ा है नया, और इस पर ये भी आगे का नया लगा है, और इंजन में थोड़ा बहुत पेंट वेंट कराया है जिससे थोड़ा नया सा लुक आ जाए, और पेट्रोल जो है यहाँ से लीक हो रहा है, आप अभी भी देखो ये आ रहा है पेट्रोल, तो यहाँ से ये पेट्रोल लीक हो रहा है, पहले यहाँ कार्बोरेटर में लीक हो रहा था, तो वो सब ठीक कराया, तो अब यहाँ से लीक हो रहा है, और ये जो ये पूरा चेंज होगा तो उसको ठीक कराना ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखो ये टपक रहा है ना पेट्रोल, ये सारा में पेट्रोल ही टपका हुआ है, जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करो पेट्रोल टपक रहा है, इसको ऑफ भी कर देता हूँ तब भी यहाँ से पेट्रोल आता ही है, तो उसको कैसे भी कर दो पेट्रोल लीक ही हो रहा है, और ये चीज़ जो है ठीक कराना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि पेट्रोल नहीं भरा पा रहे। चक्कर में पेट्रोल भराया था बट काफ़ी पेट्रोल ऐसे ही लीक हो गया तो टंकी वापस खाली हो गई। और अब आप देखते हैं या तो जाएंगी किसी और मैकेनिक पर, जाना ज़रूरी है क्योंकि वो मैकेनिक के दिन वेट कर नहीं सकते क्योंकि पेट्रोल नहीं भरा पा रहा ना, फिर लीक हो रहा है सारा पेट्रोल। तो बाइक का जो काम था वो अपन कराया है और जो पेट्रोल लीक हो रहा था वो अपने सही करा लिया और ग्रिप वगैरह लगवा ली हैंडल के ऊपर। लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत और काम है जैसे लाइट वगैरह नहीं चल रही है वो अपन उससे ठीक करवाएंगे। तो बस आज अपन थोड़ा बहुत ही काम कराया तो जब मेन पेट्रोल लीक का था वो पेट्रोल ठीक करा लिया, ठीक उस वजह से पेट्रोल नहीं भरा पा रहे थे और पेट्रोल नहीं भरा है तो फिर चलाएँ कैसे, तो वो काम ज़रूरी था वो अपने ठीक करा लिया। अब घर जाकर दिखाऊँगा आपको कैसा लगवाया है। तो फिर बस घर जा रहे हैं अपन। तो अब आ गए अपन घर और बाइक में जो ज़रूरी काम था वो करा लिया। तो ये लगवाया अपन ने, ये पूरा चेंज हुआ है और ये चाबी वाला लगवाया है ताकि इतने से पेट्रोल निकाल सके। अब ये चाबी अगर ऐसे लगी है तो चाबी निकलेगी नहीं, ये जब तक ऑफ नहीं होगा तब तक चाबी नहीं निकलेगी। तो इसी ऑफ होगा फिर चाबी निकलेगी और ऑफ रहेगा तो पेट्रोल कोई निकाल नहीं सकता। बस इसकी दिक्कत यही कि ख़राब थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ये नया लगाया और इधर ही ग्रिप लगवा ली, इधर भी नई ग्रिप लगी, दोनों हैंडल पे लगवा ली। इधर ही खड़ा है लाल बाइक के सामने, लाल कपड़े पहन के खड़ा है। मेरे भी लाल ही हैं, वो मेरे भी लाल ही हैं, ध्यान ही दिया मैंने तो। और इधर ये भी लगवा लिया अपन ने, गेयर वाली साइड का मिला नहीं तो वो भी लगवा लेते। और अब ये हो गई अपनी थोड़ी बहुत सही। अब जो लाइट वगैरह का काम है वो अपन ने जिससे बाइक ठीक कराई थी उससे करवाएंगे, तो उस काम में थोड़ा सा टाइम है अभी रुक जाए क्योंकि सफाई करनी है। अब मोटर चला के इसको पानी से धोएंगे, अच्छे से साफ करेंगे। हो गई अपनी लाल फरारी बिल्कुल साफ, धो दिया अपन उसको अच्छे से पानी से। और अभी ये देखो पूरा इसको साफ़ कर दिया और जो हल्की फुल्की मिट्टी देख रही है तो सूखे से कपड़े से जो साफ़ किया ना उसकी ये थोड़ी सी हल्की फुल्की मिट्टी है। बाकी इसको पूरा धो के अपन ने अच्छे से साफ़ कर दिया और अब फिर से ये सुंदर हो गई। ये हल्की फुल्की मिट्टी जाती नहीं है, ये हटती नहीं है और ऐसी कुछ दिखती है अपनी स्प्लेंडर बाइक। और पीछे जो ये वाली लाइट इसकी चालू नहीं है तो उसको चालू कराना है। और इसके जो किक है ये भी बिल्कुल ऐसे लूज़ हो रही है, उसको भी ठीक कराना है। इंडिकेटर का बजर लगवाना है, इंडिकेटर चलता रहता है और पता नहीं चलता कि इंडिकेटर कब चालू हो गया तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, तो वो इंडिकेटर का बजर लगवाना भी ज़रूरी है। और भी कुछ थोड़ा बहुत काम बचा है इसके अंदर वो भी करवाएंगे, जब वो अंकल जी फ्री हो जाएंगे तब उनके पास ले जाएंगे और वो सारा काम कराएंगे। अभी तो बस इसको साफ साफ कर दिया, अब अंदर चलते हैं। अंदर झाड़ू लगाती है सुबह बट अब पोछा भी लगाना है और ऊपर की भी सफाई करनी है। और ये आंगन पूरा आप देख लो, इसको धोते वक्त पूरा आंगन भी गंदा हो गया, मतलब ये कीचड़ की चप्पल चलेगी ना अंदर पहन पहन के, तो ऐसे करके ये आंगन भी पूरा सा गंदा हो गया। तो अभी आंगन भी साफ़ करेंगे। और ये स्कूटी है ये भी गंदी हो रही है तो इसको भी साफ़ करेंगे। साफ सफाई का काम है क्योंकि आप वीडियो बनाने जाना नहीं है तो फिर अब करें क्या, अब घर में बैठ के ये गाड़ियाँ वगैरह साफ़ कर लेते हैं और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। और अभी बज रहे हैं 1:15 तो 2:30 बजे मम्मी को भी स्कूल लेने जाना है। और यार ये कैमरा देखो फिर बंद पड़ी है, वीडियो बना रहा था उसको चार्ज भी कर लिया 2-3 घंटा फुल चार्ज किया बट फिर इसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर चालू नहीं हो रहा है। ये इसका पावर बटन इसको दबा रहा हूँ और ये चालू नहीं हो रहा। वीडियो बना रहा था इससे और वीडियो बनते बनते बीच में बंद हो गया,
क्या दिक्कत आ रही है? शायद बैटरी ख़राब होगी इसकी, वही दिक्कत होगी। क्योंकि और तो क्या प्रॉब्लम है, बैटरी इसकी चेंज करानी पड़ेगी और हमको इसकी बैटरी चेंज कराने के लिए जाना पड़ेगा सिटी, वहीं इसकी बैटरी सही से मिलेगी। ऑनलाइन भी मंगा सकता हूँ, पर ऑनलाइन से भरोसा नहीं ज़्यादा, लोकल फेक वही चीज़ें आ जाए फिर। तो अपन क्या है, जाएंगे सिटी, वहीं से इसकी बैटरी लाएंगे। अभी काम चलाओ चलाना पड़ेगा इसको, जो उसके अंदर वीडियो है वो निकाल के फटाफट लैपटॉप में डाल लेता हूँ, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है। ये अब ये काम नहीं कर रहा, इसके बिना ब्लॉग बनाना मुश्किल है। फ़ोन से ब्लॉग बनाने में मज़ा आता नहीं है, मज़ा तो इससे बनाने में आता है। बट अब कोई नहीं, अब इसकी बैटरी कराएंगे चेंज। और अभी अपन ने साफ सफाई कर ली है, बैठे हैं अपन, जाएंगे नहाने, नहाने के बाद में जाएंगे सीधा मम्मी को स्कूल लेने। तो यही था अपना आज का पूरा दिन, और आज अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत साफ सफाई वगैरह कर ली, बाइक को ठीक करा लिया, और कैमरा जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसको मैंने चालू भी नहीं करके देखा क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, और इतना टाइम भी नहीं मिला। साफ़ सफाई में लगे रहते आज पूरे दिन भर, घर अच्छे से साफ़ किया, गाड़ियाँ साफ़ करी, फिर मम्मी को भी स्कूल लेने गया था, तो उसके बाद में मार्केट का भी काम था, तो बस वही वही काम किया। और व्लॉग जो है अभी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो व्लॉग का करते हैं एंड। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर से दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।